नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल अनएकेडमी के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। बच्चों, आज फिर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे और तीन क्षेत्रीय संगठनों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है दोस्तों, और कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है उन संगठनों में, कई बार परेशानियां आती हैं। आज हम उसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे और आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपको इस क्लास में प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हर बार की तरह एक बार हम अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स अभी पहली बार हमसे जुड़े हो सकते हैं, तो उनके लिए एक बार हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं अंकित बंसल दोस्तों, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का आईएएस आरएएस विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजव्यवस्था, राजस्थान कला संस्कृति, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं, 7 बार मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ, 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा, 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा। दोस्तों, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी का, आप ले लीजिए, अच्छा सब्सक्रिप्शन है, काफी बेनिफिशियल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। इसका क्या स्टेप्स है मैं आपको गाइड कर देता हूं, क्योंकि नए बच्चों को अभी तक नहीं पता होगा। देखिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करनी है, सबसे पहला स्टेप ये होगा, और ये आपको आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसके बाद इसे इंस्टॉल कर लें, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज दिखेगा, उसके अंदर एक ऑप्शन है गेट सब्सक्रिप्शन, और यहां पर आप इसके थ्रू गेट इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों, क्या फायदे हैं सब्सक्रिप्शन के? यहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, लाइव होती है दोस्तों ये, जहां पर आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यहां पर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है आपको, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कराई जाती है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, और पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार होता है आपका, पूरा एकदम जिस प्रकार से एक समग्र प्रिपरेशन जिसे कहा जाता है वो होती है आपकी यहां पर, और कई सारे रिसोर्सेज भी इस कोर्स में आपको साथ में मिल जाते हैं। कौन सा कोर्स ज्वाइन करेंगे बच्चों? आरएएस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को 12 महीने या 24 महीने का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में कम से कम 1 वर्ष का समय अवश्य लगता है, और कई बार एग्जाम समय पर नहीं हो पाता तो 1 वर्ष से भी अधिक का समय लग जाता है। तो अगर 24 महीने का करेंगे सबसे बेहतर होगा, और नहीं तो 1 महीने का कोर्स आप कर सकते हैं। और देखिए, नीचे एक कोड दिख रहा है आपको, बंसल 10 कोड, ये इंपॉर्टेंट कोड है आपके लिए, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ये अप्लाई करना होगा। इसको अप्लाई करने से आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, बंसल 10 कोड, और इसको यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ में आप मेरी गाइडेंस में रहकर प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। और आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, जहां जहां पर समस्याएं आती हैं, आपको प्लानिंग समझ में नहीं आ रही है, स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही है, आपको आंसर राइटिंग को लेकर समस्या हो रही है, या कोई टॉपिक को लेकर समस्या हो रही है, कोई बुक्स को समझ में नहीं आ रही कौन सी बुक्स इसके लिए रेफर करनी है, आप हर प्रकार की गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं। और पूरे जितना ड्यूरेशन का आप कोर्स लेंगे, जैसे 12 महीने का लेंगे बंसल 10 कोड यूज करके तो 12 महीने के लिए, और 24 महीने का लेंगे तो 24 महीने के लिए आप मेरी गाइडेंस में पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबका स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, आपकी बारी है, जल्दी से हमसे जुड़ जाइए प्लस कोर्स के माध्यम से, और बंसल 10 कोड को आप बिल्कुल मत भूलना, इसका इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और देखिए, 24 महीने के कोर्स की फीस 8400 है, और बंसल 10 कोड आप यूज लेते हैं तो ये फीस रह जाती है 7560। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और आप जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है दोस्तों क्षेत्रीय संगठन की आज तीसरी क्लास है, और इस तीसरी क्लास के अंदर आज हम तीन बड़े संगठनों की बात करेंगे, एक है राष्ट्रमंडल, एक है यूरोपीय संघ, और एक है ओईसीडी। आप में से अधिकांश बच्चों ने यूरोपीय संघ का नाम अवश्य सुना होगा, कुछ ने राष्ट्रमंडल का भी सुना हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने ओईसीडी का नाम सुना होगा। लेकिन दोस्तों, तीनों ही संगठन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज तीनों ही संगठनों को हम विस्तार से चर्चा करके इसको एक समग्र प्रिपरेशन के रूप में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और तीनों टॉपिकों को अच्छी तरह से हम तैयार कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रमंडल से, और पहले की क्लासेस आपने देख ली होंगी, क्षेत्रीय संगठन की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में और दूसरी क्लास में हमने कई सारे क्षेत्रीय संगठनों को कवर किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन्हें मिस मत करना। और इन केस अगर आपको पता नहीं चल रहा है कौन सी क्लास, तो शायद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको सारी लिंक मिल जाएगी, सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप मेरी पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए अब हम इस क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है क्षेत्रीय संगठन में, वो है राष्ट्रमंडल। और राष्ट्रमंडल क्या है, इसे अंग्रेजी में देखो दोस्तों कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं, या हिंदी में इसको राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल भी कहते हैं। राष्ट्रमंडल शब्द से भी यही समझना है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल बोला जाए तो भी यही है दोस्तों, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इसी को आपको देवनागरी में लिख कर दिया जा सकता है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, देखिए इस प्रकार से आपको एग्जाम में मिल सकता है। इसीलिए यही पर्पज है कि मैंने इंग्लिश वाला जो इसका वो है शब्द, वो आपको यहां पर लिख दिया है पूरा,
तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी अगर प्रश्न आता है तो भी आपको गलती नहीं करनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था। दोस्तों ये यही है, राष्ट्रमंडल को ही कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं, और इस प्रकार से भी आजकल प्रश्नों की प्रकृति होने लगी है, और एग्जामिनर कई बार इस प्रकार से दे देते हैं आपको प्रश्न में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, तो आपको घबराना नहीं है। राष्ट्रमंडल हो या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हो या राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, सॉरी, तीनों ही केस में आपको इसे तैयार कर लेना है। सॉरी, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ क्या है दोस्तों, आपको साइड में एक पिक्चर दिखाई दे रही है, और इस पिक्चर में आपको जितना जितना ग्रीन कलर का क्षेत्र दिख रहा है, ये सारा वो है दोस्तों जो इस क्षेत्रीय संगठन को निरूपित करता है। आपको जहां जहां पर ग्रीन कलर के देश दिख रहे हैं, देखिए भारत भी दिखाई दे रहा होगा, पाकिस्तान भी दिख रहा है, ये सारे वो क्षेत्र हैं दोस्तों जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, अर्थात ये सभी राष्ट्र ब्रिटेन की कॉलोनी या उपनिवेश हुआ करते थे। अर्थात राष्ट्रमंडल किस प्रकार का संगठन है, एक ऐसे राष्ट्रों का संगठन है जिनका इतिहास कहता है कि वो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे। और दोस्तों कुल 54 राष्ट्र हैं, देखिए 53 राष्ट्र थे, अभी हाल में फरवरी 2020 में एक और राष्ट्र इसमें शामिल हो गया है, और उसके बाद संख्या 54 हो गई, गलती नहीं करनी एग्जाम में, 54 संख्या है इसके सदस्य राष्ट्रों की। तो बिल्कुल आपको कहीं अपनी किसी किताब में या फिर किसी जगह पर आपको मिलता है 53, तो बिल्कुल समझ लेना कि अपडेट हो गया, नया डाटा कहता है 54 सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल की वेबसाइट भी 54 सदस्यों को दिखा रही है, और ये 54 सदस्य का एक 54 राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी संगठन है, अर्थात इन 54 राष्ट्रों की सरकारों के द्वारा इनके नेता यहां पर मिलते हैं, इनकी मीटिंग होती है और उसमें ये वार्तालाप करते हैं। 54 राष्ट्र यहां पर अभी शामिल हैं, और ये 54 में से जो 53 राष्ट्र, एक तो ब्रिटेन खुद है और एक जो 53 राष्ट्र है, ये 53 राष्ट्र कौन से हैं जो पूर्व में कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। तो देखिए यह एक 54 सदस्य राज्यों का एक अंतर सरकारी संगठन है, ये देश पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं, और देखिए आप मैप में भी देख सकते हैं कहां कहां फैले हुए, ये उत्तरी अमेरिका में फैले हुए हैं, यहां पर देखिए कैरिबियाई द्वीप, हम एक क्लास में चर्चा कर चुके हैं कौन सा क्षेत्र है कैरिबियाई द्वीप का हुआ, ये अफ्रीका में भी है, एशिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अर्थात राष्ट्रमंडल देश अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप, प्रशांत क्षेत्र सब जगह फैले हुए हैं दोस्तों, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राष्ट्रमंडल क्षेत्रीय संगठन है और अलग अलग क्षेत्रों पर इसके सदस्य फैले हुए हैं, अर्थात राष्ट्रमंडल देश हर जगह विद्यमान है। इसके सदस्य, देखिए एक और कैरेक्टरिस्टिक, इसकी एक और विशेषता, इसके सदस्य दुनिया के सबसे बड़े, देखिए अमेरिका सबसे बड़े देशों में से एक, सबसे छोटे, देखिए छोटे छोटे यहां पर प्रशांत महासागर में भी आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे से, और उसके अलावा यहां पे कैरिबियाई द्वीप है बहुत छोटे छोटे, अफ्रीका में भी देखिए यहां पर बहुत छोटे छोटे से देश हैं, सबसे बड़े देश इसके हैं अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े देश, छोटे छोटे देश, कैरिबियाई देश, अमीर देश, देखिए अमीर देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर भी ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, और गरीब देश, देखिए अफ्रीका के छोटे छोटे ये गरीब राष्ट्र, अर्थात विविधता भरी हुई है राष्ट्रमंडल के सदस्यों में, जहां क्षेत्रीय स्तर पर बड़े राष्ट्र भी शामिल हैं, वहीं छोटे राष्ट्र भी इसके सदस्य हैं, अमीर भी इसमें शामिल हैं, गरीब राष्ट्र भी इसके सदस्य हैं, अर्थात राष्ट्रमंडल इन आधारों पर सदस्यों के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, देखिए बहुत अच्छे से पता है राष्ट्रमंडल कैसे सदस्यों का एक समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे, तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर ही होगा, और ब्रिटेन की या फिर यूके की जिसकी राजधानी कौन सी है, लंदन, तो लंदन में ही इसका मुख्यालय करना बड़ा आसान हो गया, और हम पहले ही बता चुके हैं भारत भी ब्रिटेन का इसका सदस्य था, भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, और इसीलिए भारत भी राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, मुख्यालय कहां पर है, लंदन में है, और लंदन कहां पर है, यूके में है, कुल कितने सदस्य हैं, 54 सदस्य इसके हैं, हाल में मालदीव यहां पर जुड़ गया था, जो मैंने अभी बताया आपको फरवरी 2020 में एक नया राष्ट्र इसमें जुड़ गया, मालदीव भी अब इसका सदस्य बन गया है, और ये सभी राष्ट्र वो हैं जो उपनिवेश रह चुके हैं ब्रिटेन के, भारत इसमें से एक सदस्य है। देखिए राष्ट्रमंडल का गठन कैसे हुआ, देखिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद खत्म होने लग गया था 20वीं सदी के आसपास, देखिए 1947 में भारत आजाद हो गया, और इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास के समय में अनेकों ब्रिटेन की जो उपनिवेश थे उनमें स्वतंत्रता का संघर्ष जारी हो चुका था, और अधिकांश राष्ट्र इस समय पर स्वतंत्र हो गए थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी, जैसे 1947 से याद कर लीजिए, 1947 में भारत आजाद हुआ, और वो भी कब है, 20वीं सदी का मध्य अंतराल, अर्थात 20वीं सदी के मध्य के समय में अधिकांश
अधिकांश राष्ट्र जो ब्रिटेन के उपनिवेश बने हुए थे वो स्वतंत्र हो चुके थे, और इसी समय उन्हें आपस में जोड़ने के लिए एक समूह का निर्माण कर दिया गया और उसे कहा गया राष्ट्रमंडल। अर्थात इसी समय पर राष्ट्रमंडल का निर्माण हुआ। देखिए औपचारिक रूप से 1949 में समूह का गठन हो गया और जितने भी राष्ट्र ये ब्रिटेन के उपनिवेश थे वो स्वतंत्रता ग्रहण कर चुके थे समय पर, और उन्होंने सबने मिलकर एक समूह बना लिया और उसे कहा गया राष्ट्रमंडल। दोस्तों ये एक लंदन घोषणा पत्र, अर्थात लंदन में घोषणा की गई एक पत्र निकाल कर कि राष्ट्रमंडल समूह एक बनाया जा रहा है, और इस प्रकार से ब्रिटेन के उपनिवेश जो अभी स्वतंत्र हो गए हैं वो इसके सदस्य होंगे। और दोस्तों इसी घोषणा पत्र में चार्टर भी बना दिया गया राष्ट्रमंडल का, अर्थात समूह के किस प्रकार के नियम होंगे, कौन इसके सदस्य बन सकते हैं, क्या सभी जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे और अब स्वतंत्र हो गए हैं सभी इसके सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें से कुछ सदस्य जो राष्ट्रमंडल के सिद्धांतों का पालन करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले तो स्वतंत्रता हासिल कर ली और लोकतंत्र बना लिया और वहां पर तानाशाही आ गई तो अब वो राष्ट्रमंडल के सदस्य बन सकते हैं। नहीं दोस्तों, राष्ट्रमंडल के सिद्धांत और उसमें लोकतंत्र एक प्रमुख सिद्धांत है। जो राष्ट्र इसके सिद्धांतों का पालन करेंगे वो सारे सिद्धांत इसके चार्टर में वर्णित कर दिए गए लंदन घोषणा पत्र में ही, और जो जो राष्ट्र इसके सिद्धांतों का पालन करेंगे साथ में ब्रिटेन के पूर्व में उपनिवेश रहे हैं उन्हीं राष्ट्रों को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया जा सकता है। और देखिए मालदीव्स अभी हाल में बना और मालदीव्स में लोकतंत्र है इसीलिए मालदीव्स यहां पर बन चुका है इसका सदस्य। अर्थात देखिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंत में के साथ 20वीं सदी के मध्य में राष्ट्रमंडल की शुरुआत हो गई थी। इसे औपचारिक रूप से 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा गठित किया गया था और इसमें सदस्य राज्यों को स्वतंत्र और समान रूप में घोषित किया गया। देखिए दोस्तों हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके थे, एक तरफ अमीर देश है, एक तरफ गरीब देश है, एक तरफ बड़ा क्षेत्रीय राष्ट्र है, एक छोटे राष्ट्र भी हैं, अर्थात लेकिन सभी को समान वेटेज यहां पर मिल रहा है। ये स्वतंत्र और समान इसकी विचारधारा है दोस्तों, इसीलिए तो भारत भी यहां पर जुड़ गया। अदरवाइज एक मानसिकता ही दिखा रहा है, गुलामी वाली मानसिकता, क्योंकि वो देश जो गुलाम थे कभी ना कभी वो जुड़ रहे हैं, तो राष्ट्रमंडल के सदस्य होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यहां पर दिखाया जा रहा है कि आप गुलाम थे ब्रिटेन के, लेकिन फिर भी देखिए गुलाम थे लेकिन वर्तमान क्या कहता है, अब आजाद हो, स्वतंत्र हो, समान हो, और इसीलिए राष्ट्रमंडल के सदस्य हो, और इसीलिए सारे देश इसमें शामिल होते गए। देखिए राष्ट्रमंडल का चार्टर, देखिए राष्ट्रमंडल का चार्टर क्या कहलाता है। चार्टर मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रमंडल का एक ऐसा कागजात जो इसकी पूरी रूपरेखा को वर्णित करता है, जो बताता है कि कौन कौन राष्ट्रमंडल के सदस्य हो सकते हैं, राष्ट्रमंडल के उद्देश्य क्या होंगे, और सारी चीज राष्ट्रमंडल के बारे में वर्णित करता है, वो कहलाता है राष्ट्रमंडल का चार्टर। और इसे कब लागू कर दिया गया, हमने बताया 1949 में ही इसे लेकर आ गया गया था राष्ट्रमंडल के चार्टर को। क्या कहता है राष्ट्रमंडल का चार्टर, देखिए राष्ट्रमंडल का उद्देश्य बताता है लोकतंत्र, सबसे पहला उद्देश्य डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हो, मानव अधिकार। देखिए पूरे के पूरे यूरोप के सभी राष्ट्र मानव अधिकारों में अग्रणी हैं, मानव अधिकारों का पालन करने के लिए ये राष्ट्र कुछ भी करने को गुजरते हैं, और उनमें से ब्रिटेन अब मानव अधिकारों का संरक्षण करना चाहता है। राष्ट्रमंडल सदस्यों को बोला गया कि मानव अधिकारों का पालन करे, अगर कोई राष्ट्र मानव अधिकारों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो राष्ट्रमंडल के सदस्य से उसको निष्कासित किया जा सकता है। अर्थात लोकतंत्र इसका उद्देश्य है, मानव अधिकारों की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है, कानून का शासन। देखिए हमारे भारत में भी कानून का शासन चलता है, हमारा संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कानून का शासन हो, अर्थात रूल ऑफ लॉ हो, अर्थात एक विधि हो जिसके माध्यम से शासन चले और उस विधि को, विधि का दुरुपयोग ना किया जाए, उसकी जो उल्लंघन करेगा उसे दंड दिया जाएगा, अर्थात कानून का शासन हो, कोई इरेगुलर नहीं, एक सही कानून का शासन किया जाए। देखिए फिर कहता है ये विकास, विकास पर केंद्र किया जाएगा और शांति बनाए रखने की कामना होगी। अर्थात राष्ट्रमंडल का चार्टर एक बहुत ही अच्छे उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ता है, लोकतंत्र, मानव अधिकार, कानून का शासन, विकास और शांति। दोस्तों सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए सभी सदस्य राष्ट्रमंडल के मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकारते हैं जिनका राष्ट्रमंडल चार्टर में उल्लेख किया गया है। चार्टर या दस्तावेज या कागजात जो हमने कहा वो राष्ट्रमंडल के इन मूल्यों और अपेक्षाओं को एक साथ लेकर आता है। चार्टर राष्ट्रमंडल के लक्ष्यों और मूल्यों को समर्थन करने में नागरिक समाज की भूमिका को भी स्वीकार करता है, और यदि कोई सदस्य इस चार्टर का पालन नहीं करता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है या फिर सदस्यता छोड़ देने के लिए मजबूर किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर राष्ट्रमंडल
में आप सदस्य हैं तो आपको इन मूल्यों का पालन करना ही होगा, और अगर आप इन मूल्यों का पालन नहीं करते हैं तो आपको इसकी सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के उद्देश्य एकदम साफ हैं और इसकी सदस्यता के जो जो आप कह सकते हैं सदस्यता के लिए जो जो पैमाने हैं वो भी एकदम साफ हैं कि ये पैमाने होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहोगे। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल सरकारों के प्रमुख की बैठक। आपके सामने महारानी का एक ये महारानी है दोस्तों एलिजाबेथ द्वितीय, जो अभी इस संगठन की इस राष्ट्रमंडल का जो संघ है इसकी इसके प्रमुख कहलाती हैं, और इसमें प्रति 2 वर्ष के बाद इनकी बैठक आयोजित होती है और उसका प्रतिनिधित्व करती हैं ये महारानी। अर्थात एक सिंबॉलिक एक सांकेतिक रूप से महारानी जो ब्रिटेन की महारानी है उनको इनके प्रमुख के रूप में बैठा रखा है, लेकिन प्रति 2 वर्ष के बाद राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हमने 54 सदस्य बताए इनके सरकारों की प्रमुख बैठक होती है। अर्थात देखिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद राष्ट्रमंडल देशों के सरकारों की प्रमुख बैठक होती है। और क्या यहां पर डिस्कशन होता है दोस्तों, बैठक किस लिए हो रही है? जो भी विश्व को प्रभावित करने वाले मुद्दे हो सकते हैं उन सभी के लिए यहां पर बैठक होती है, उन पर चर्चाएं होती हैं। अर्थात ये राष्ट्रमंडल या तो राष्ट्रमंडल देशों को जो मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं या पूरे विश्व को जो मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं उनके लिए भी राष्ट्रमंडल में चर्चाएं की जाती हैं और इस बैठक का वो विषय वस्तु होती है। दोस्तों ये जो बैठक होती है इसको एक नाम दिया गया है और आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा यहां पर CHOGM, चोगम इसको हिंदी में कहते हैं, शॉर्ट में चोगम, अर्थात कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो CHOGM इसका मतलब निकल कर आता है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स, अर्थात राष्ट्रमंडल के सरकारों के प्रमुख की बैठक। अर्थात ये बैठक है दोस्तों जिसे चोगम के नाम से जाना जाता है, और ये कौन सी बैठक है, जितनी भी 2 साल में एक बार आयोजित हो रही है और उसमें सभी सरकारें जो सदस्य राष्ट्रमंडल के वो इस बैठक में भाग ले रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको ये बात पहले बता दी, चाहे आकार में कोई क्षेत्र बड़ा है, कोई राष्ट्र छोटा है या बड़ा है, या गरीब है अमीर है, सभी को समान दृष्टिकोण से इस बैठक में शामिल किया जाता है। सभी सदस्यों को ये राष्ट्रमंडल समान दृष्टिकोण से देखता है, छोटे बड़े का भेदभाव यहां पर अब समाप्त हो गया है, सभी राष्ट्र स्वतंत्र हो गए हैं, आजाद हो गए हैं, और ब्रिटेन उनकी आजादी के लिए अब प्रयास करता है। अब उसकी वो जो मानसिकता थी साम्राज्यवादी मानसिकता वो इस राष्ट्रमंडल के माध्यम से उसने दिखाया कि वो समाप्त हो गई है, अब इन सभी को वो स्वतंत्र रूप में देखना चाहता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनकी ये जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं यही अभी राष्ट्रमंडल की प्रमुख होती है। दोस्तों ये है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और ये है राष्ट्रमंडल की प्रमुख। अगर प्रश्न आता है कि कौन है राष्ट्रमंडल के प्रमुख, तो दोस्तों याद रखना है कि यही है। हाल ही में कोरोना के समय अभी देखिए इनको होम आइसोलेट में रखना पड़ा था, और हम आपको बता चुके हैं जब हमने भारत यूरोप संबंधों की चर्चा की थी कि एक समय आ गया था जब ब्रिटेन की सभी जो प्रमुख हस्तियां थी, जैसे कि प्रधानमंत्री हुए, महारानी हुई, राजा प्रिंस हुए, ये सभी को आइसोलेशन में जाना पड़ा था, और 2 भारतीयों द्वारा ब्रिटेन की शासन को भी चलाया गया था। दोस्तों चलिए हम अपने अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये है महारानी एलिजाबेथ, ये मैं बच्चों कहानी इसलिए बीच में सुना रहा हूं जिससे आपको याद रह जाएगा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है, और यहां पर फोटो लगाने का भी पर्पज यही है कि आपको याद रह जाए कि प्रमुख कौन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है इसकी प्रमुख है, और इनके सरकारों की जो बैठक होती है राष्ट्रमंडल सरकारों की वो उसको चोगम नाम से जाना जाता है, और 2 साल में एक बार इनकी बैठक होती है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। ये नाम आपने जरूर सुना होगा दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल। दोस्तों ये राष्ट्रमंडल सदस्यों के द्वारा खेले जाने वाले खेल हैं, अर्थात जो 54 राष्ट्र हमने बोले अभी, 54 सदस्य हमने कहा कि इसके सदस्य हैं, उन सदस्यों के मध्य जो खेल खेले जाते हैं, उन सदस्यों के द्वारा जो खेल का आयोजन होता है, बहु खेल आयोजन, अनेकों खेलों का यहां पर आयोजन होता है, उसी को कहा जाता है राष्ट्रमंडल खेल। ये शब्द आपने सुना होगा लेकिन इसका मतलब अब क्लियर हो गया होगा कि ये कौन से खेल हैं, अर्थात राष्ट्रमंडल देशों के बीच खेले जा रहे हैं उन्हीं खेलों को कह रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल। दोस्तों हर 4 साल में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है, और देखिए ये आपके सामने एक फोटो है, 2010 में दिल्ली में आयोजन हुआ था और करप्शन के कई सारे केसेस यहां पर सामने आए थे, भ्रष्टाचार के और
काफी विवाद इसमें हुआ था, लेकिन अभी आप देखिए कि 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। ये भ्रष्टाचार वाला शब्द भी प्रयोग करने का पर्पज यही है कि आपको याद रह जाए कि 2010 में दिल्ली में हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। और दिल्ली में देखिए इस प्रकार ये समाप्ति वाला फोटो है, आपको याद रह जाएगा, इसमें लिखा हुआ भी है दिल्ली 2010, और यही वो जब समापन हो रहा था उस समय की तस्वीर है। और कितने अच्छे ढंग से इसको सजाया गया था, पूरे स्टेडियम को आप देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था, 2014 में ग्लासगो में हुआ था जो कि स्कॉटलैंड में है दोस्तों। और ये स्कॉटलैंड वही जगह है दोस्तों जहां पर आवाजें आ रही है ब्रिटेन से बाहर निकलने की, और इस जगह पर भी स्कॉटलैंड एक नया राष्ट्र बन एक अलग देश बनने की मांग करने लगा है ब्रिटेन से अलग होकर। ब्रिटेन में ही ये एग्जिस्ट करता है स्कॉटलैंड, ब्रिटेन के ऊपर वाले क्षेत्र में। हम यूरोपीय भारत यूरोप क्लासेस में इसकी चर्चा कर चुके थे, भारत यूरोप संबंध वाली क्लास में। तो स्कॉटलैंड आपको ध्यान होगा, हमने एक इमेज में आपको दिखाया था, ये वही स्कॉटलैंड है। और इसी स्कॉटलैंड में एक जगह है ग्लासगो, वहीं पर 2014 में इस खेलों का आयोजन हुआ था। और गोल्ड कोस्ट, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, गोल्ड कोस्ट नाम से एक जगह आपकी अफ्रीका में भी है, लेकिन ये जो गोल्ड कोस्ट है जहां पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2018 में हुआ है वो जगह है ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में अभी हालिया जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं और सबसे लेटेस्ट 2018 में हुए हैं और वहीं पर आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट नामक जगह पर। दोस्तों 2022 में कहां होगा राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, क्योंकि हमने कहा चार चार सालों में होता है, 2010 में दिल्ली में हुआ, 14 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ, 18 में गोल्ड कोस्ट में हुआ ऑस्ट्रेलिया के, और अब 2022 में कहां होगा। दोस्तों अब फिर से ब्रिटेन में होगा, यूके के एक जगह है बर्मिंघम, और बर्मिंघम में अब आयोजन होगा 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का। ये उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट राष्ट्रमंडल खेलों का, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा दोस्तों यहां पर होती है और अनेकों खेलों का आयोजन होता है। चलिए भारत राष्ट्रमंडल में क्यों शामिल हुआ, अब इस मुद्दे पर एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया था कि राष्ट्रमंडल कौन से देश हैं जो कभी ना कभी उपनिवेश रहे थे ब्रिटेन में, और ये प्रश्न क्यों आ रहा है कि भारत राष्ट्रमंडल में शामिल क्यों हुआ। बहुत सीधा सा संपर्क है कि एक गुलामी मानसिकता ये दिखा रहा है, राष्ट्रमंडल का सदस्य क्या एक अपने आप में दिखा रहा है कि आप गुलाम राष्ट्र थे, अर्थात एक आप ऐसे ऐसे एक संगठन में क्यों अपने आप को शामिल कर रहे हैं कि जो आपको दर्शाता है, आपको फील कराता है, आपको महसूस कराता है कि आप गुलाम राष्ट्र थे और ब्रिटेन के गुलाम राष्ट्र थे। दोस्तों ये जब मानसिकता आपको दिख रही है तो आप इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं, ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि विश्लेषण वाले जो प्रश्न आते हैं मेंस में वहां पर इस प्रश्न की भूमिका रह सकती है कि भारत एक ऐसे सदस्य में एक ऐसे समूह में क्यों शामिल हुआ जो जो गुलामी राष्ट्रों का एक समूह है। दोस्तों भारत की बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी, देखिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। राष्ट्रमंडल की सदस्यता ने भारत को अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद की, अर्थात देखिए अब ये राष्ट्रमंडल कोई ऐसा नहीं है छोटा मोटा, 54 राष्ट्र हैं दोस्तों, इन 54 राष्ट्रों के साथ भारत संबंध स्थापित कर सकता है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगर एक दो राष्ट्र हैं तो फिर शायद इसको अवॉइड किया सकता था, लेकिन 54 राष्ट्र हैं दोस्तों, इसको एक इंपोर्टेंस मिलनी चाहिए राष्ट्रमंडल सदस्य। अब राष्ट्रमंडल क्या है, एक बड़ा संगठन है, 54 सदस्य जहां पर हैं, भारत को समर्थन मिल सकता है इन 14 सदस्यों का अगर भारत इनके साथ अच्छे संबंध बनाता है, और एक मंच ये प्रोवाइड करा रहा है, हर 2 साल में मीटिंग हो रही है, इन देशों के साथ चर्चाएं हो सकती हैं, वार्ताएं हो सकती हैं, संबंधों को आगे बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, और ये एक बड़ी वजह थी कि भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ। दूसरी बात, राष्ट्रमंडल में सदस्यता लेकर भारत ने ब्रिटेन से आर्थिक सहायता प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। एक वो भारत जो 1947 में आजाद हुआ उसे विरासत में क्या मिला दोस्तों, एक गुलाम राष्ट्र क्या मिला उसे विरासत में, गरीबी, भुखमरी, आर्थिक संसाधनों का पतन, एक ऐसा राष्ट्र बना दिया गया था आजादी के बाद जिसके पास भुखमरी और गरीबी से लोग परेशान हैं लेकिन आर्थिक संसाधन नहीं है देश के पास जिससे जिससे उस जनता का भला किया जा सके, इसीलिए भारत को प्रारंभिक वर्षों में दूसरे देशों से आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ी। राष्ट्रमंडल का सदस्य बनकर भारत ने ब्रिटेन के प्रति एक दृष्टिकोण दिखाया और ब्रिटेन ने इसके बदले में भारत को आर्थिक सहायता देना प्रारंभ किया, अर्थात ब्रिटेन से सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाया राष्ट्रमंडल की सदस्यता ने, यह भी एक बड़ा फैक्टर था दोस्तों। और तीसरा एक और बड़ा फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि जब उपनिवेश
काल था, अर्थात जिस समय भारत गुलाम था, अंग्रेज राज करते थे, उस समय कई भारतीयों श्रमिकों को दूसरे देशों में काम करने के लिए ले जाया गया था, जैसे खाड़ी के राष्ट्रों में ले जाया गया था, ऑस्ट्रेलिया में ले जाया गया था, अनेकों जगह पर ले जाया गया था दोस्तों काम करने के लिए, क्योंकि भारतीय श्रमिक मेहनती होते थे और काफी कम खर्चा होता था इन पर, इसीलिए इन इन श्रमिकों को, भारतीयों को दूसरे क्षेत्रों में काम करने के लिए ले जाया गया था। लेकिन आजादी जब मिल गई तो भारत सरकार के लिए जो दूसरे देशों में भारत के लोग निवास कर रहे हैं उनकी सुरक्षा भी, उनके हितों का ध्यान रखना भी भारत के लिए उतना ही आवश्यक था। अर्थात इन राष्ट्रमंडल देशों के साथ सहयोग करके, इन राष्ट्रमंडल देशों के साथ सदस्यता लेकर, इन राष्ट्रमंडल के देशों के साथ संबंध स्थापित करके भारत इन देशों में रहने वाले भारतीयों के हितों का भी ध्यान रख सकता है, उनके हितों को भी सुरक्षित रख सकता है। अर्थात जो भारतीय ब्रिटिश शासन काल में दूसरे देशों में ले जाए गए थे, उन देशों के साथ संबंध बनाना जिससे उन देशों में जो भारतीय निवास कर रहे हैं उनके हितों को भारत सुरक्षित रख सके, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण था दोस्तों जिस वजह से भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ। तो एक हमने बताया विदेश नीति के दृष्टिकोण से भारत दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, वार्ताएं कर सकता है। दूसरा हमने एक आर्थिक दृष्टिकोण से कहा कि ब्रिटेन से हमें सहायता प्राप्त हो सकती थी, और तीसरा हमने सामाजिक दृष्टिकोण से कहा कि दूसरे देशों में जो भारतीय निवास कर रहे हैं उन भारतीयों की सुरक्षा के लिए, उनके हितों को ध्यान में रखने के लिए भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। दोस्तों ये तीन कारण आपको क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की जहां से प्रश्न भी बन सकता है, क्योंकि देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत राष्ट्रमंडल में क्यों शामिल हुआ, चलिए उस समय हो गया अब क्यों है, चलिए उस समय भारत को हमने कहा कि जरूरत थी, भारत को हमने देखा कि ब्रिटेन से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती थी और राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद मिल सकती थी, लेकिन वर्तमान में तो बहुत सारे संगठन बन गए, बहुत सारे समूह बन गए हैं, क्या भारत वहां पर इन देशों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता, अब ब्रिटेन से भारत को आर्थिक सहायता लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, बल्कि भारत खुद संयुक्त राष्ट्र संघ में, बल्कि भारत खुद विश्व बैंक में आर्थिक अनुदान देता है, अब भारत एक महाशक्ति बन गया है। दोस्तों ऐसे समय में राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना क्यों है, अर्थात वर्तमान में भारत की सदस्यता की क्या प्रासंगिकता है, इस प्रकार भी आपसे नया प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों क्या आप सोच पा रहे हैं क्यों आवश्यकता है? देखिए हमने कहा कि भारत एक महाशक्ति बन गया है 1990 के बाद के आर्थिक सुधारों के बाद में, एक तेजी से आर्थिक विकास किया भारत ने, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी भूमिका भारत ने दिखाई, अब विश्व में कोई सा भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पर भारत की भूमिका को नकारा जा सके, चाहे वो हिंद महासागर का क्षेत्र था जो पहले से भारत के कंट्रोल में था, और अब प्रशांत महासागर तक, आर्कटिक सागर तक भारत को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया है आर्कटिक परिषद में, अर्थात भारत की भूमिका हिंद महासागर से निकलकर प्रशांत महासागर में गई, आर्कटिक सागर में भी गई, अटलांटिक सागर में भी गई, और इसके आसपास जितने भी राष्ट्र हैं, बड़े राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप के अन्य राष्ट्र हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे एशिया के पश्चिमी क्षेत्रों हो, या मध्यवर्ती क्षेत्रों हो, या रूस हो, कोई सा भी देश, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, कहीं भी एक कोना ऐसा नहीं है दोस्तों जहां भारत की भूमिका पर विचार नहीं होता। भारत को हर अंतरराष्ट्रीय एक महत्वपूर्ण मुद्दे में भारत को शामिल करना आवश्यक हो गया पूरे विश्व के लिए। अब ऐसे समय में राष्ट्रमंडल की सदस्यता की प्रासंगिकता आप सोच सकते हैं। अब भारत यहां पर एक कमजोर राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि भारत एक महाशक्ति के रूप में है। भारत इन राष्ट्रों का भला करने के लिए है। भारत अब ब्रिटेन से मदद लेने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटेन को मदद देने के लिए है। भारत अफ्रीका के जो पुराने उपनिवेश थे ब्रिटेन के, उनको मदद देने के लिए है। भारत की अब भारत लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए यहां पर है। एक महाशक्ति का परिचय देते हुए भारत इनके विवादों को सुलझाने के लिए यहां पर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ये जो राष्ट्रमंडल के सदस्यों के अंदर जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए भारत है। अर्थात भारत की अब बढ़ती भूमिका इन राष्ट्रमंडल देशों के साथ जुड़े रहने के लिए, भारत को और बड़ा बनाने के लिए इस राष्ट्रमंडल की सदस्यता में बना रहना भारत के लिए आवश्यक है। अर्थात अब भारत का इसमें सदस्य बना रहना एक गुलामी मानसिकता ना दिखाकर एक महाशक्ति के रूप में भारत को प्रतिस्थापित करता है। इसलिए भारत राष्ट्रमंडल में अब वर्तमान में बना हुआ है, और यही राष्ट्रमंडल की भारत के दृष्टिकोण से प्रासंगिकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। ये हमने अच्छे से समझ लिया कि राष्ट्रमंडल क्या है, और उसके सभी पहलुओं को हमने देखा कि
कैसे उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कौन सी इसके सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, कहां पर इसका मुख्यालय है, भारत की इसमें क्या भूमिका है, ये सारे पॉइंटों के बाद अब हम एक दूसरे संगठन की ओर बढ़ते हैं, यूरोपीय संघ। दोस्तों ये संगठन भी इतना ही महत्वपूर्ण है और कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें समस्या आती है, किताबों में कंटेंट सही नहीं मिलता है और सही से अनुमान नहीं होता यूरोपीय संघ के बारे में, और प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके प्री हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी हाल में ही आरएस के मेंस में प्रश्न पूछा गया था ब्रेग्जिट के बारे में। तो दोस्तों यूरोपीय संघ को समझने की कोशिश करते हैं, ये किस प्रकार का संगठन है और क्या भूमिका निभाता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक ग्लोब, अर्थात मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, और उसमें आपको ग्रीन ग्रीन कलर का जो एरिया दिख रहा है वो यूरोप के कुछ राष्ट्रों का क्षेत्र है, और ये जो राष्ट्र हैं, जो ग्रीन ग्रीन कलर का क्षेत्र दिख रहा है यूरोप में, ये सभी राष्ट्र मिलकर बना रहे हैं यूरोपीय संघ। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर ब्रिटेन शामिल है? दोस्तों ये वाला जगह ये है ब्रिटेन का क्षेत्र, और ये देखिए ग्रे कलर में दर्शाया हुआ है, इसका मतलब ब्रिटेन अब शामिल नहीं है। यूरोपीय संघ का ब्रिटेन सदस्य था और 2020 फरवरी 2020 में ऑफिशियली औपचारिक रूप से ब्रिटेन इससे सदस्यता से बाहर हो गया है। अब यूरोपीय संघ में 27 राष्ट्र हैं, अर्थात 27 यूरोपीय देशों का आर्थिक राजनीतिक संगठन है यूरोपीय संघ। 28 नहीं, 27 यूरोपीय देशों का आर्थिक राजनीतिक संगठन है यूरोपीय संघ। कुल कितने सदस्य हुए? 27। कहां के हैं ये? यूरोप वाले क्षेत्र के हैं दोस्तों। इनका गठन कब हुआ? इस यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? देखिए ऑफिशियली माना जाता है कि यूरोपीय संघ के रूप में इसका अस्तित्व 1993 में आया, हालांकि इसकी जो स्टार्टिंग है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्रारंभ हो गई थी, 1948 में ही इसकी स्टार्टिंग हो गई थी यूरोपीय संघ के निर्माण की, उसकी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑफिशियली 1993 में मास्ट्रिच संधि के द्वारा, ये देखिए ये दोस्तों संधि का नाम है, आपको याद रख लेना है मास्ट्रिच संधि। ये मास्ट्रिच संधि के माध्यम से 1993 में, 1993 में ही संधि हुई थी दोस्तों, 1993 में मास्ट्रिच संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ के नाम से ये संगठन अस्तित्व में आया। वर्तमान वर्तमान जो हमें दिखता है संगठन वो किस किस रूप में आया? ये 1993 में संगठन अस्तित्व में आया मास्ट्रिच संधि के रूप में। और दोस्तों उन और एक एक नई संधि लिस्बन संधि वर्तमान में क्रियाशील है। मास्ट्रिच संधि से जो यूरोपीय संघ बना उसमें कुछ चेंजेस किए गए आगे जाकर, और कहा गया इनको और अच्छे से जोड़ते हैं इन इन यूरोपीय राष्ट्रों को, एक इनमें इनमें एक परिवर्तन की कोशिश की गई, अर्थात विदेश नीति के दृष्टिकोण से इनमें इनमें एक साझी विदेश नीति को अपनाने की कोशिश की गई, और सब हुआ लिस्बन संधि के माध्यम से। तो वर्तमान में ये जो संगठन है ये वर्तमान स्वरूप इसको किससे मिला? मास्ट्रिच संधि से। लेकिन अब वर्तमान में लिस्बन संधि है नई संधि जो यूरोपीय संघ को परिभाषित करती है। अर्थात प्रश्न अगर पूछा जाता है यूरोपीय संघ का गठन किस संधि से हुआ? मास्ट्रिच संधि से। कब हुआ? 1993 में। अब वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों के मध्य किस संधि के द्वारा नियम और शर्तों का पालन किया जाता है? लिस्बन संधि जो नई संधि है इसके माध्यम से नियम और शर्तों का पालन किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? और कितने राष्ट्र हैं यहां पर? 27। किस प्रकार का संगठन है? आर्थिक और राजनीतिक संगठन है यूरोपीय संघ। दोस्तों अब मैं बात करता हूं इसके विकास की। मैंने आपको बताया था कि ये मास्टर संधि के मास्टर संधि 1993 के माध्यम से यूरोपीय संघ के रूप में हमारे सामने आया, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गई थी। एक बार अब आपके सामने देखिए आपको दिख रहा है यूरोपीय संघ का विकास। एक तरफ स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि समय के साथ में यूरोपीय संघ में कितना फैलाव आता गया, कितने राष्ट्र इसके जुड़ते चले गए और कैसे कैसे ये एक बड़ा संगठन बनता चले गया। आपको जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो एक एक इमेज है जो आपको अलग अलग समय में, जैसे 2004 में कितने राष्ट्र थे, 2007 में नई स्क्रीन आ जाएगी, फिर उसमें अलग अलग समय में स्टार्टिंग से ये बताता रहेगा कि देखिए कितना बड़ा ये ग्रुप होते जा रहा है। और दूसरी तरफ हम अब चर्चा करेंगे, आप एक तरफ स्क्रीन पर नजर दौड़ा के रखिएगा लेफ्ट साइड में, और दूसरी तरफ अलग अलग समय में क्या क्या चेंज आए वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हमने कहा कि 1948 में ही इस संगठन का विकास प्रारंभ कर दिया गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, हमने बताया कि विचारधारा की लड़ाई होने लगी थी, और जो जर्मनी था उस जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध की हार बर्दाश्त नहीं हुई। हिटलर नामक शासक वहां पर आया और हिटलर ने कहा कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई है उसका वो बदला लेगा, और इसीलिए द्वितीय
विश्व युद्ध की रूपरेखा रखी गई और जर्मनी के इस हिटलर ने फ्रांस के साथ युद्ध लड़ना प्रारंभ किया और फ्रांस का सहयोगी बनकर फिर आया ब्रिटेन और ब्रिटेन का सहयोगी बनकर आया अमेरिका और अमेरिका और ब्रिटेन इन सभी के सहयोगी के रूप में रूस भी जुड़ गया दोस्तों। इस प्रकार एक तरफ जर्मनी था दोस्तों और एक तरफ ये फ्रांस ब्रिटेन ये सारे यूरोप के राष्ट्र थे दोस्तों। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जर्मनी की इसमें हार हो गई तो लगने लगा कि अब इस जर्मनी और फ्रांस को मिलाना चाहिए। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था क्योंकि एक नया एक द्वंद्व चालू हो गया था जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। जब जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी तो पश्चिमी जर्मनी वो क्षेत्र था जो दोस्तों फ्रांस की आइडियोलॉजी रखता था अर्थात फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी का ये क्षेत्र। मैं इनकी चर्चा मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इनकी चर्चा मैं यूरोपीय संबंधों की क्लास में कर चुका हूँ और कोल्ड वार के जो टॉपिक था शीत युद्ध वाला उसमें भी मैं इनकी चर्चा कर चुका हूँ। देखिए बहुत आराम से समझिए, हमने बताया द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की भूमिका रही थी, जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ा था, फ्रांस एक देश था, फ्रांस और जर्मनी में युद्ध हो रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो इस जर्मनी को और फ्रांस को हमेशा जोड़ने की कोशिश की गई और जर्मनी का जो पश्चिमी भाग था वो था दोस्तों जो पूंजीवाद की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और यही आइडियोलॉजी फ्रांस की थी और इसीलिए इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने की कोशिश की गई। जोड़ना मतलब आर्थिक रूप से जोड़ने की कोशिश की गई। इसी प्रक्रिया में 1948 से ये प्रयास चालू गए, 1957 में आकर 1957 में सबसे पहले आर्थिक समुदाय का गठन किया गया क्योंकि देखिए फ्रांस और जर्मनी का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर ये यहाँ पर जो फ्रांस है यहाँ पर लोहे के काफी सारे खदाने हैं, लोहे की काफी सारी खाने हैं। जर्मनी का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो उसमें एक रूर घाटी है, रूर वैली जिसे कहा जाता है, रूर वैली जो कि कोयला उत्पादन के लिए काफी जानी जाती है दोस्तों। तो ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर लोहा है और साथ में कोयला है और इसीलिए स्टील का उद्योग यहां पर पनप सकता था और इसी उद्देश्य से और देखिए पूंजीवादी विचारधारा यहां पर काम कर रही थी। हमने बताया पश्चिमी जर्मनी फ्रांस ये दोनों पूंजीवादी विचारधारा के अंदर आते थे और इसीलिए इस क्षेत्र को मिलाकर एक आर्थिक समुदाय बनाने की कोशिश की गई, स्टील उद्योग यहां पर स्टील उद्योगों का विकास करने की कोशिश की गई। तो 1957 में पहला प्रयास ऑफिशियली जो आधिकारिक रूप से संपन्न हुआ वो था यूरोपियन आर्थिक समुदाय बनाना। अभी आपके सामने स्क्रीन आएगी, आप देखना 1957 में कौन कौन से राष्ट्र यहां पर शामिल हो गए थे। 1957 में एक पहला प्रयास हुआ आधिकारिक रूप से, 48 से प्रयास चालू हो गए थे, 57 में आकर पहला ऑफिशियल एक समुदाय बना यूरोपियन आर्थिक समुदाय। धीरे धीरे इसमें बढ़ाव होते गए, कुछ राष्ट्र जुड़ते गए। 1967 में इसके अंदर परमाणु ऊर्जा से संबंधित राष्ट्र और हमने बताया स्टील उद्योग से संबंधित राष्ट्र, इन सभी को जोड़कर इस आर्थिक समुदाय को विस्तृत किया गया और 1967 में इसे यूरोपियन कम्युनिटी का नाम दे दिया गया दोस्तों। 1973 में आकर कुछ राष्ट्र इसमें और शामिल हो गए, उनमें से ब्रिटेन भी एक राष्ट्र था दोस्तों। और जो ब्रिटेन हमने कहा अभी 2020 में बाहर निकला, 1973 में इसने यूरोपीय संघ को ज्वाइन किया था और देखिए 1979 तक आते आते इन्होंने यूरोपीय संघ ने अपनी संसद बना ली अर्थात जितने राष्ट्र इसके सदस्य बन गए थे इन सदस्यों ने मिलकर एक संसद का निर्माण कर लिया था दोस्तों और इसे यूरोपीय संसद का नाम दिया गया। वर्तमान में इसे ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो 1979 में यूरोपीय संसद का गठन हो गया, 1980 में एक साल बाद अनेक राष्ट्र फिर यहां पर मिले, यूनान स्पेन पुर्तगाल ये सब शामिल हुए। 1985 में इन राष्ट्रों ने मिलकर इनमें से कई राष्ट्रों ने मिलकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए, नई संधि बनाई, उसे शेंजेन की संधि या श्लेगन की संधि भी कहा जाता है। शेंजेन की संधि दोस्तों थी कि आपको इन इस जो जो राष्ट्र शेंजेन की संधि पर साइन कर रहे हैं उन राष्ट्रों के मध्य आवाजाही के लिए आपको किसी पासपोर्ट की या वीजा की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल जैसे एक राष्ट्र के राज्यों में घूमते हैं बिना पासपोर्ट के। जैसे भारत में आप देखिए राजस्थान से एमपी जाने के लिए कोई पासपोर्ट या वीजा लगता है? नहीं लगता दोस्तों। बिल्कुल इसी तरह आप एक बार पूरे यूरोपीय संघ में कहीं पर प्रवेश कर जाइए उसके बाद आप पूरे यूरोप की यात्रा कर सकते हैं दोस्तों, आपको अलग अलग देशों के पासपोर्ट या वीजा आपको अलग अलग देशों से वीजा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार की एक अद्भुत संधि बना दी जिसने पूरी तरह से यूरोपीय संघ को एक अलग अलग राष्ट्रों के गुच्छे से निकालकर एक राष्ट्र जैसा बना दिया। इन्होंने एक संसद भी बना ली, जैसे भारत की पूरे अलग राज्यों की संसद है उसी प्रकार इन्होंने अलग अलग राष्ट्रों की संसद बना दी दोस्तों। इन्होंने अलग अलग राष्ट्रों के मध्य आवाजाही में जो रोक टोक थी वो हटा दी, मुक्त आवाजाही का क्षेत्र बना दिया शेंजेन की संधि के माध्यम से जो 1985 में हस्ताक्षरित हुई थी दोस्तों।
इसके बाद 1986 में सिंगल यूरोपियन एक्ट पास करा इन्होंने, एक कानून बनाया सिंगल यूरोपियन। अब इन्होंने कहा इसको और एकीकृत करना है। देखिए हमने बताया कि नए नए राष्ट्र इसमें जुड़ते जा रहे हैं, आर्थिक संगठन के साथ में इसकी शुरुआत हुई, आर्थिक समुदाय के रूप में बढ़ता गया आर्थिक समुदाय का दायरा, जो स्टील से चालू हुआ था, परमाणु ऊर्जा के राष्ट्र भी इसमें शामिल किए, उसके बाद में अनेकों राष्ट्र इसमें आते जा रहे हैं, यूरोपीय संसद बना दी इन देशों ने एकीकृत करने का एक और प्रयास, उसके बाद में शेंजेन संधि अर्थात मुक्त आवाजाही बना दी। अब ये कह रहे हैं कि हमारा एक अलग झंडा हो, अलग अलग राज्यों के झंडे होते रहेंगे, यूरोपीय संघ के रूप में उदय होने जा रहा है दोस्तों, अलग अलग राष्ट्रों के झंडे की बजाय एक सामूहिक झंडा होगा, एक संघ का झंडा होगा। 1986 में एक झंडा इन्होंने बना लिया। 1990 में देखिए शीत युद्ध समाप्त हो गया था, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर हमने शीत युद्ध की क्लास में चर्चा की, शीत युद्ध समाप्त हो गया था अर्थात अब समय आ गया कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी जो मैंने यहां पे आपको दिखाया अभी, और इस जो दीवार यहां पर खींच दी गई थी इनके बीच में, उस दीवार को हटा दिया गया, अब यहां पर कोई परेशानी नहीं है, जो एक साम्यवादी विचारधारा थी सोवियत संघ वाली वो खत्म हो गई है, अब इस पूरे जर्मनी को एक बना दिया गया है, अब जर्मनी का एकीकरण हो गया, पूरा जर्मनी यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया, जो पूर्वी जर्मनी अलग बटा हुआ था अब वो भी इसके साथ में जुड़ गया दोस्तों। अब वो 1993 में समय आ गया दोस्तों जब हमने कहा कि आधिकारिक रूप में यूरोपीय संघ अस्तित्व में आ जाएगा, वही यूरोपीय संघ जिसे आज हम देखते हैं, और यह हुआ मास्ट्रिश्ट की संधि से, जिसको मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, मास्ट्रिश्ट संधि के द्वारा 1993 में इसका गठन हुआ था। अब यह समय आ गया जब एकीकृत रूप से विदेश नीति, पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को भी सभी राष्ट्रों ने सम्मिलित या एकीकृत कर दिया, अर्थात अब विदेश नीति के रूप में ये एकीकृत हो गए, अर्थात इन सभी राष्ट्रों की एक समान विदेश नीति होगी, थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं लेकिन मोटे रूप में समान विदेश नीति का ये पालन करेंगे। दूसरे राष्ट्रों के साथ जो संबंध होंगे, इन सभी राष्ट्रों के भारत के साथ जो संबंध होंगे, अमेरिका के साथ जो संबंध होंगे, वो लगभग सभी राष्ट्रों की एक समान नीति होगी। और वो सब कहां से निकल रही है, देखिए दोस्तों इन्होंने जो एकीकरण का प्रयास किया, संसद बना ली, इनका झंडा बना लिया, अब विदेश नीति में भी, पुलिस व्यवस्था में भी, न्याय व्यवस्था में भी एक न्यायालय का निर्माण कर लिया दोस्तों, बैंक बना लिया केंद्रीय बैंक सभी राष्ट्रों ने मिलकर, सभी राष्ट्रों ने मिलकर एक नया न्यायालय बना लिया, सभी राष्ट्रों ने मिलकर एक कार्यपालिका बना ली, सभी राष्ट्रों ने मिलकर एक 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 बैंक बना लिया, संसद बना ली, कार्यपालिका बना ली, सब कुछ बना लिया दोस्तों। और क्या कर दिया, पूरे इस यूरोप के अलग अलग राष्ट्रों को, जो छोटे छोटे राष्ट्र थे उनको एकीकृत कर दिया और एक संगठन अस्तित्व में आ गया जिसे हम यूरोपीय संघ के रूप में जानते हैं 1993 में मास्टर्स संधि के द्वारा। अभी भी लेकिन विस्तार हो रहा है, देखिए एकीकरण हो गया, अब नए राष्ट्र और जुड़ेंगे। 1995 में ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड भी जुड़े। 2004 में इन राष्ट्रों ने कहा कि हमें इसे और आगे लेकर जाना है, मुद्रा भी सभी राष्ट्रों की अलग अलग नहीं, एक ही मुद्रा का विकास करते हैं, एक साझी मुद्रा यूरो का विकास बना दिया दोस्तों। कुछ राष्ट्रों ने एकल मुद्रा के रूप में, अर्थात चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो आपका डेनमार्क हो, चाहे आयरलैंड हो, चाहे यूनान हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, सब जगह यूरो चलेगी, एक ही मुद्रा में व्यापार होगा। अर्थात देखिए मुद्रा के स्तर पर भी, लोगों की आवाजाही के स्तर पर भी, संसद के स्तर पर भी, न्यायपालिका के स्तर पर, बैंक के स्तर पर, हर प्रकार से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये अलग अलग राष्ट्र हैं, बल्कि एक राष्ट्र बना लिया, एक संघ बना लिया दोस्तों। कितनी ज्यादा इनके अंदर एकीकरण हो गया आप देख पा रहे हैं। और इसी के बाद हमने बताया 2004 में यूरो नामक एक करेंसी इन्होंने अपना ली और उसे एकल मुद्रा के रूप में अपनाया। और देखिए इसके प्रयास पहले हो चुके थे, 1990 के बाद हो चुके थे, 2004 में जाकर इसको ऑफिशियली कर दिया। इसके बाद में देखिए 2007 में और भी कई राष्ट्र आ गए, और उसके बाद में 2007 में एक और जो बड़ा परिवर्तन हुआ वो था लिस्बन संधि का या लिस्बन समझौता, जो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में देखिए इसका अस्तित्व किससे आया, जो वर्तमान अस्तित्व जो दिखता है यूरोपीय संघ वो किससे आया, ये मास्टर संधि से। लेकिन हमने कहा वर्तमान में संबंध किस संधि के द्वारा चल रहे हैं, क्योंकि देखिए मास्टर संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ बन गया, लेकिन उसके बाद भी सुधारों की गुंजाइश थी, और भी सुधार करने थे, और जो वर्तमान में जो संधि थी वो एक ये हुई लिस्बन संधि 2007 में। देखिए इस 2007 में लिस्बन समझौते के माध्यम से इनको और ज्यादा एकीकृत कर दिया गया, खासकर विदेश नीति के मामले में इनका एकीकरण और ज्यादा किया। देखिए हम बता चुके हैं कि 1993 में भी विदेश नीति को लेकर एकीकृत किया गया था, लेकिन लिस्बन समझौता 2007 के माध्यम से इनको और ज्यादा अनुशासित कर दिया गया था इस विदेश नीति के दृष्टिकोण से। तो लिस्बन समझौता वो इंपोर्टेंट समझौता है जिसके माध्यम से इस यूरोपीय संघ के आज के नियम चलते हैं दोस्तों। और ये लिस्बन समझौता ही वो है जिसका अनुच्छेद 50 के माध्यम से यूरोप
से ब्रिटेन बाहर निकल पाया, इस यूरोपीय संघ से ब्रिटेन बाहर निकल पाया, वो लिस्बन संधि के माध्यम से ही संभव हो पाया। दोस्तों अब हम बात करते हैं, 2007 में हमने बताया लिस्बन समझौता हो गया जो वर्तमान इसके स्वरूप को निर्धारित करता है, और 2008 से 19 का जो ये समय था, इस समय में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 28 हो चुकी थी, अनेकों राष्ट्र इसके सदस्य बन गए, अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र इसके सदस्य बन गए, 2019 तक आते आते 28 इसके सदस्य हो गए, अंतिम सदस्य था क्रोएशिया, और मैं आपको मैप में पहले दिखा चुका हूं भारत यूरोप संबंध वाली क्लास में, वो जरूर आप वीडियो में देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों यूरोप के इस क्रोएशिया के माध्यम से 28 सदस्य इसके हो गए 2019 में, और 2020 इस साल ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता छोड़ दी, जिसे हम ब्रेक्सिट के नाम से जानते हैं, और इसके बाद अब सदस्य संख्या कितनी रह गई, 27 सदस्य संख्या रह गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया शुरू में ही कि 27 यूरोपीय राष्ट्रों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है जो मास्टर संधि के माध्यम से 1993 में गठित हुआ था, और वर्तमान में लिस्बन संधि के माध्यम से इसकी क्रियाशीलता दिखाई जाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए बच्चों, यूरोपीय संघ का क्या है, कितने राष्ट्र हैं, कौन सी संधि से बना, कब बना, कहां और इसका विकास कैसे कैसे हुआ, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब देखिए हम बात करते हैं उस शेंजेन की संधि की, जो मैंने कहा 1985 में बनी थी, और ये मैंने आपको बताया कि जितने भी यूरोप के राष्ट्र थे इनकी बीच की जो सरहदें थी उनकी सरहदों को इन्होंने काफी हद तक मुक्त कर दिया, अब ये बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के एक दूसरे देश में जा सकते हैं, अर्थात इनफैक्ट भारत का भी अगर कोई नागरिक एक देश का, इनमें से किसी भी एक देश का वीजा ले लेता है, यूरोप के किसी देश का जो शेंजेन संधि से जुड़े हुए हैं उनमें से किसी भी एक देश का वीजा ले लेता है दोस्तों, तो उसका वीजा लेकर वो पूरे यूरोप की यात्रा कर सकता है। दोस्तों आपने सुना होगा यूरोप में शरणार्थी संकट से लड़ने के लिए काफी परेशानियां होती, देखिए आपको एक तरह से इसको समझा देते हैं, अफ्रीका एक देश है, और वहां पर अफ्रीका एक क्षेत्र है, और वहां पर एक राष्ट्र है जिसका नाम है ट्यूनिशिया, अफ्रीका के महाद्वीप में ऊपर ही ऊपर एक छोटा सा राष्ट्र है ट्यूनिशिया, जो कि भूमध्य सागर में अपनी स्थिति बनाता है, भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ राष्ट्र है ट्यूनिशिया, और जब अफ्रीका में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, अर्थात जब यहाँ पर संघर्ष हो जाते हैं, लोकल संघर्ष चालू हो जाते हैं अफ्रीका के अंदर, तो ट्यूनिशिया में कई लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है और वहाँ से वो भागना प्रारंभ कर देते हैं, जिन्हें शरणार्थी हम कहते हैं। ये लोग दोस्तों यहाँ पर छोटी छोटी नावों के माध्यम से भूमध्य सागर को पार कर ये इटली तक पहुँच जाते हैं, और एक बार इटली में ये घुस जाते हैं दोस्तों, फिर इटली से घुस कर ये पूरे यूरोप में चले जाते हैं, और इस प्रकार देखिए पूरे यूरोप के सामने समस्याएं पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, और यही सब हो पा रहा है क्यों, क्योंकि शेंजेन संधि कहती है एक बार यूरोप के किसी राष्ट्र में घुस जाओ उसके बाद पूरा यूरोप में आप भ्रमण कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं, और ये खासियत है शेंजेन संधि की, जो इन राष्ट्रों को राष्ट्र जैसा नहीं बल्कि राज्य जैसा बना रही है। दोस्तों ये क्लियर हो गया दोस्तों शेंजेन संधि। अब मैं थोड़ी सा चर्चा कर लेता हूं यूरोपीय संघ की संरचना के बारे में। मैंने आपसे कहा कि इनके एकीकरण के प्रयास किए गए और एकल एक संरचना बनाई गई संघ की, और उसमें कई सारी व्यवस्थाएं की गई। देखिए पांच प्रमुख अंग यूरोप की संघ के जो इसकी संरचना का निर्माण करते हैं वो है यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संसद, यूरोपीय न्यायालय और यूरोपीय सेंट्रल बैंक। दोस्तों इनमें से जो पहले तीन है उन्हें बहुत इंपोर्टेंस देके समझ लीजिए आप। देखिए यूरोपीय न्यायालय क्या करेगा, अगर कोई पहले पहले दो को एक और जल्दी से कर देते हैं खत्म। यूरोपीय न्यायालय क्या करेगा दोस्तों, अगर इनके बीच में कुछ भी विवाद आते हैं तो उसका निपटारा करेगा, जो न्यायालय का काम होता है। तो और यही क्या है दोस्तों, यूरोपीय संघ का सर्वोच्च न्यायालय, जो यूरोप के राष्ट्रों के इस यूरोपीय संघ के जो देश हैं इनके मध्य विवादों को सुलझाने का काम करता है, और 1952 में इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय है लग्जमबर्ग में, लग्जमबर्ग देश के अंदर ही लग्जमबर्ग है दोस्तों, और यहीं पर इसका मुख्यालय है यूरोपीय न्यायालय का। ये क्लियर हो गया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक क्या है दोस्तों, जैसे एक हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय ये आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसी प्रकार इनका एक सेंट्रल बैंक है जो इन सभी राष्ट्रों से मिलकर बना है, सभी राष्ट्रों को का ध्यान ये रखता है, मुद्रा संबंधी ध्यान ये रखता है, खासकर यूरो संबंधी ध्यान ये रखता है। हमने बताया था यूरो मुद्रा एक बन गई थी और उसके बारे में ध्यान रखता है, सभी राष्ट्रों की तरफ से एक बैंक का कार्य करता है यूरोपीय सेंट्रल बैंक, इसे केंद्रीय बैंक कह सकते हैं आप यूरोपीय संघ का, और इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट में, और ये फ्रैंकफर्ट दोस्तों है जर्मनी में, और यहीं पर इसका मुख्यालय है। अर्थात यूरोपीय न्यायालय न्यायालय वाला काम कर रहा है, यूरोप का सर्वोच्च न्यायालय है, 1952 में गठन हुआ, लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है, यूरोपीय
सेंट्रल बैंक यूरो मुद्रा से संबंधित काम कर रहा है और केंद्रीय बैंक की भूमिका निभा रहा है इस यूरोपीय संघ में, और इसका मुख्यालय हुआ फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी में है। दोस्तों अब आते हैं यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय संसद। देखिए बड़ा आसानी से समझना, एक देश में कानून का निर्माण करना है, कानून का निर्माण करने का काम किसका होता है, संसद का काम होता है, और उसे कानून का निर्माण कर लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। दोस्तों कानून का कानून को मोहर लगा रहा है कौन, संसद, और कानून को कानून का मसौदा तैयार करके कौन देता है, कार्यपालिका। और उस देखिए एक कानून का निर्माण कैसे होता है, कानून का निर्माण करने के लिए उसकी पहले नीति बनती है, नीति का मसौदा तैयार होता है, कागजात तैयार होते हैं, उसके बाद में संसद के पास वो जाता है, संसद उस पर मोहर लगाती है, उसको पास करती है, और उसको फिर लागू कौन करता है, कार्यपालिका अर्थात मंत्री लागू करते हैं। इसी प्रकार आप सोच लीजिए कि यहां पर ये तीनों ही अंग हैं, जिसका एक का काम है कानून का निर्माण करना, एक का काम है कानून के लिए डायरेक्शन देना, और एक का काम है उसे उसका मसौदा तैयार करना और उसे लागू करना। अर्थात ये दोनों जो काम हैं, अर्थात कानून को लागू करना और कानून का निर्माण करना, ये दोनों काम है दोस्तों यूरोपीय आयोग के। और कौन सा कानून बनाना है ये बात यहां पर बताता है यूरोपीय परिषद, और यूरोपीय परिषद के अनुमोदन के बिना कोई भी कानून एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और इस कानून पर मोहर कौन लगाता है, यूरोपीय संसद। दोस्तों देखिए यूरोपीय संसद क्या है, यूरोपीय संघ के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था। संसद कौन होती है, जो वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करे। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, संसद में चुनकर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, उसी प्रकार यहां पर यूरोपीय संसद में क्या होगा, अलग अलग राष्ट्रों से ये यूरोप बना है, तो इन राष्ट्रों के बीच से इस यूरोपीय संसद में लोगों को भेजा जाएगा जो इनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, पूरे के पूरे यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं यूरोपीय संसद। इसका मुख्य काम क्या है, कानून का निर्माण करना, जो संसद का काम होता है, जो विधायिका का काम होता है, वही यूरोपीय संसद का काम है। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी, यहीं पर इसका मुख्यालय है यूरोपीय संसद का। दोस्तों यूरोपीय परिषद क्या है, यूरोपीय परिषद, देखिए हमने कहा यूरोपीय संघ अलग अलग राष्ट्रों से मिलकर बन रहा है, यूरोप के अलग अलग देशों से मिलकर बन रहा है, इन देशों के अंदर भी इनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसे कि ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री है, जैसे फ्रांस का राष्ट्रपति है, अलग अलग इनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन राष्ट्राध्यक्षों को मिलाकर बना यूरोपीय परिषद। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट संस्था हो गई यूरोपीय परिषद, अगर मैं इन सारे पांचों अंगों में से बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट संस्था तो वो दोस्तों यूरोपीय परिषद है, क्योंकि यहां पर इन सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आकर शामिल हो रहे हैं, यूरोपीय यूरोप की सभी सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है यूरोपीय परिषद। देखिए यूरोपीय परिषद क्या है, यूरोप की सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक प्रकार का मंत्री परिषद आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे प्रमुख जो यूरोप के देशों के लोग हैं, यूरोप के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए, अभी तो नहीं है, अब तो ब्रिटेन बाहर निकल गया, लेकिन अभी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति हुए, इटली जर्मनी की चांसलर जो इनकी सर्वोच्च होती है वो हुई, इस प्रकार जितने भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी इन देशों में शासन चलता है, उस प्रकार से जो भी सरकार का प्रमुख होता है वो यहां पर शामिल होता है यूरोपीय परिषद में, और इसीलिए आप कह सकते हैं पूरे यूरोपीय संघ की सर्वोच्च नीति को निर्धारित करने वाली या निर्णय लेने वाली या रणनीतिक दिशा देने वाली संस्था कौन सी है, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संघ की निर्णय संस्था। दूसरे शब्दों में यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ की रणनीतिक दिशा निर्धारित करता है, और सभी यूरोपीय संघ कानूनों को इस परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहां पर कौन है दोस्तों, राष्ट्राध्यक्ष हैं, अलग अलग देशों जिनसे यूरोपीय संघ बना उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस यूरोपीय परिषद में शामिल हैं। और यूरोपीय संसद में कौन था, यूरोपीय संसद में यूरोपीय संघ के लोगों के द्वारा चुनाव के माध्यम से जो प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं वो है यहां पर यूरोपीय संघ में, जिसका काम विधायिका जैसा है कानून का निर्माण करना, लेकिन कौन सा कानून बनाना होगा इसके बारे में कौन कहेगा, यूरोपीय परिषद कहेगा, वही इसकी रणनीतिक दिशा या फिर कहें निर्णय लेने की काम करेगा, और वही जैसे राष्ट्रपति भारत में कह सकता है कि लास्ट में मोहर लगाता है, बिल्कुल उसी तरह आप समझ लें यूरोपीय परिषद लास्ट में मोहर लगाने वाला, और राष्ट्रपति जिस प्रकार से संसद के दोनों सदनों को चालू करता है भारत में, उसी प्रकार आप कह सकते हैं यूरोपीय परिषद एक तरह से डायरेक्शन देती है कि ये इस बारे में पहल की जाए, इस बारे में नीति का निर्माण किया जाए, इस बारे में कुछ आप मसौदा तैयार करें, और वो मसौदा कौन तैयार करेगा दोस्तों, यूरोपीय आयोग, अर्थात इसका जो कागजादी काम है वो कौन कर रहा है, यूरोपीय आयोग।
सबसे पहले एक कानून की आवश्यकता के बारे में कौन कहता है? यूरोपीय परिषद। उसके बाद में उसका मसौदा कौन तैयार करता है? यूरोपीय आयोग। उसके बाद में उस मसौदे को कानून का रूप कौन देता है? यूरोपीय संसद। उस कानून में कानून को एकदम लास्ट में मोहर कौन लगा देगा? यूरोपीय परिषद। और फिर से उसको लागू कौन करेगा? यूरोपीय आयोग। अर्थात दोस्तों आप स्टेप देखें, यहां से पहला नंबर, दूसरे नंबर पे यूरोपीय आयोग ने इसका मसौदा तैयार किया, तीसरे नंबर पे इसने यूरोपीय संसद ने उसको कानून का रूप दे दिया, चौथे नंबर पे इस यूरोपीय परिषद ने उस पर मोहर लगा दी, पांचवें नंबर पे यूरोपीय आयोग ने फिर से उसको उसको लागू करना प्रारंभ कर दिया। ये देखिए स्टेप्स यहां पर हो रहे हैं और इस प्रकार एक कानून का निर्माण यहां पर हो पाता है। अर्थात यूरोपीय आयोग क्या हुआ दोस्तों? एक प्रकार का कार्यकारी दल, जैसे कि भारत में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप लोग जो बनने वाले हो अधिकारीगण, जो सचिवालय में जाकर काम करते हैं, वो जो कि हम कहते हैं कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और एक ये अधिकारी वाली जो आप करते हैं, जो आईएएस ऑफिसर आरएएस ऑफिसर्स वाला काम है, वो एक तरह का यूरोपीय आयोग कर रहा है दोस्तों। जो ब्यूरोक्रेसी, जो जो भी सरकार के कानून होते हैं उनका उनका उनको इंप्लीमेंट करने का काम जो करते हैं, वो ये क्या? यूरोपीय आयोग। तो यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी दल है और यह नए यूरोपीय कानूनों के प्रस्ताव को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है और साथ में यूरोपीय संसद, इस संसद और इस यूरोपीय परिषद के फैसले को लागू करता है। ये है यूरोपीय आयोग। दोस्तों बहुत आसान शब्दों में आप ऐसे समझ लें, भारत में जिस प्रकार संसद की व्यवस्था है वो यहां पर यूरोपीय संसद निभा रहा है। भारत में जिस प्रकार राष्ट्रपति की या फिर राजनीतिक मंत्रियों की जो स्थिति है वो यूरोपीय परिषद यहां पर निभा रहा है। भारत में जो ब्यूरोक्रेसी, जिसे आप सिविल सेवक कहते हैं, अधिकार आईएएस ऑफिसर आरएएस ऑफिसर वाला जो कहते हैं, नीति निर्माण का या सचिवालय का या फिर किसी नीति को इंप्लीमेंट करने का जो भारत में काम किया जाता है अधिकारी गणों के द्वारा, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, नौकरशाही के द्वारा, वो काम यहां पर यूरोपीय आयोग कर रहा है। और अगर कोई विवाद आ रहे हैं उनको निपटाने का काम यूरोपीय न्यायालय कर रहा है और यूरोपीय सेंट्रल बैंक यूरो मुद्रा से संबंधित केंद्रीय बैंक की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। ये है दोस्तों यूरोपीय संघ की संरचना। अर्थात अगर इन तीनों संस्थाओं के बीच, यूरोपीय आयोग, परिषद और यूरोपीय संसद के बीच संबंध देखें, तो यूरोपीय आयोग कानून का प्रस्ताव रख रहा है, उसे लागू कर रहा है, यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ की रणनीतिक दिशा निर्धारित कर रही है और यूरोपीय संसद उस कानून को तैयार कर रही है। और हमने बताया कि यूरोपीय परिषद में वो सारे थे सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, अर्थात सरकारों का वो प्रतिनिधित्व करती है। यूरोपीय संसद के बारे में हमने बताया कि यूरोपीय संघ के लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रही है और यूरोपीय आयोग जो पहले नंबर पे था उसके बारे में हमने बताया कि जो भी परिषद और संसद ने जो उसको काम दिए हैं उनको वो उन्हीं कानूनों के हिसाब से वो आगे अपना काम करता है। दोस्तों ये था एक महत्वपूर्ण संगठन जिसके बारे में हमने चर्चा की, यूरोपीय संघ। इसमें एक एक और मुद्दा है ब्रेग्जिट का, वो ब्रेग्जिट में एक अलग क्लास में ही आपको समझाऊंगा, एक अलग से इशू हम लोग कवर कर लेंगे एक क्लास में, क्योंकि अभी ओईसीडी को कवर करना भी आवश्यक है। तो ब्रेग्जिट का जो इशू है वो एक अहम मुद्दा है, उसको मैं संगठनों से बाहर निकालकर जो वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं उनकी क्लास में अलग से लूंगा। एक बार ये क्षेत्रीय संगठन कवर हो जाते हैं फिर जो मुद्दे वर्तमान में, जैसे कि आर्कटिक सागर का जो इशू है या फिर दक्षिणी चीन सागर का या फिर इसराइल फिलिस्तीन विवाद जो है, उसी प्रकार से ब्रेग्जिट का जो इशू है, इनकी क्लासेस में अलग से लूंगा तो वहां पर उसे हम कवर कर लेंगे। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया यूरोपीय संघ। अब हम तीसरे एक संगठन की बात करते हैं, क्षेत्रीय संगठन जिसे कह सकते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, शॉर्ट में इसे ओईसीडी कहते हैं, इस नाम से ये अधिक प्रचलित है दोस्तों, ओईसीडी, या इसको पूरे रूप में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अर्थात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। जैसा दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है कि आर्थिक रूप से सहयोग और आर्थिक विकास करने के लिए संगठन का निर्माण हुआ है, इस आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात जहां जहां पर आर्थिक दृष्टिकोण से जो नीतियां बनी हुई हैं उनमें रिसर्च करने का ये काम करता है, उन नीतियों को आगे किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है उस प्रकार की गाइडलाइन ये प्रोवाइड करता है। और अधिकांशतः विकसित राष्ट्रों का एक संगठन है दोस्तों। आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है उसमें दिख रहा है आपको मैप में कि जहां जहां पर आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो क्षेत्र है दोस्तों इस संगठन के सदस्य। तो देखिए यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर सदस्य आपको दिख रहे हैं। ये सारे सदस्य कौन से हैं? जो कि विकसित राष्ट्र हैं, पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करते हैं और साथ में लोकतंत्र को ये लोग मानते हैं, विकासवादी या बाजारवादी मॉडल को, मार्केट बेस्ड अर्थव्यवस्था को ये फॉलो करते हैं। उन राष्ट्रों का समूह है ये ओईसीडी। एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी, इसमें 37 सदस्य शामिल हैं, 37 सदस्य देश हैं इसमें, और ये एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है।
दोस्तों ये 1961 में इसका गठन हुआ, कहीं कहीं पर आपको 1960 भी देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 60 में या 61 में दोनों ही सही है, क्योंकि 60 में इसका निर्माण प्रारंभ हो गया दोस्तों, 61 में ये फाइनल रूप में सामने आ गया। तो 1961 आप मान सकते हैं, 1961 में OECD को का गठन हुआ और इसका पर्पज क्या था, आर्थिक प्रगति। देखिए नाम से हमने बताया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, अर्थात आर्थिक प्रगति। और कैसे होगी आर्थिक प्रगति, प्रगति कैसे होगी, विश्व व्यापार को प्रोत्साहन जब मिलेगा। तो इसके इसके उद्देश्य क्या हो गए, आर्थिक प्रगति करना और विश्व व्यापार को प्रोत्साहन देना, ये इसके दो उद्देश्य महत्वपूर्ण हुए। और हमने बताया कि आपको ये हमने बताया कि ये किस प्रकार के राष्ट्र हैं, जो लोकतंत्र और बाजारवादी, बाजारवादी दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार, जो 1990 के बाद से हमने भारतीय अर्थव्यवस्था अपनाई LPG नीति के माध्यम से, वो कैसी है, एक प्रकार की बाजारवादी अर्थव्यवस्था, बाजार के माध्यम से आगे बढ़ने वाली। और एलपीजी मतलब निजीकरण, सॉरी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसी प्रकार की नीति को कहते हैं बाजारवादी अर्थव्यवस्था। तो लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं ये पूरे के पूरे इस OECD के सदस्य, जो कुल संख्या में भी वर्तमान में कितने हैं, 37 सदस्य इसके हैं। और ये 37 कैसे राष्ट्र हैं दोस्तों, जो आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार में प्रोत्साहन चाहते हैं, साथ में अधिकांशतः अमेरिका और यूरोप के ये राष्ट्र हैं जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, विकसित राष्ट्र हैं दोस्तों, और बाजारवादी अर्थव्यवस्था का में विश्वास रखते हैं। तो इन सभी सदस्यों के मध्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के समन्वय के रूप में ये एक मंच के रूप में काम करता है OECD। दोस्तों OECD का मुख्यालय प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में, याद रख लेना है, पेरिस में है। और अभी बाद में हम एक संगठन की चर्चा करेंगे, जब आतंकवादी संगठनों के बारे में आपको हम समझाएंगे एक क्लास में, वहां पर हम बात करेंगे FATF की, तब भी हमारे सामने ये नाम आएगा और हम कहेंगे कि OECD का हमने पढ़ाया था। तो आपको याद रख लेना है OECD ये ग्रुप जिसका नाम है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ये अधिकांशतः विकसित राष्ट्रों का जो कि उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था है, ये देखिए अधिकांश OECD राष्ट्र या सदस्य उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था है, मानव विकास सूचकांक में बहुत उच्च है और विकसित देशों के रूप में जाने जाते हैं। हमने बताई इनकी विशेषता, OECD के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, एक तो ये लोकतंत्र को मानने वाले राष्ट्र हैं, लोकतंत्र में इनका विश्वास है। दूसरा हमने बताया पूंजीवादी व्यवस्था में है। तीसरा हमने कहा कि ये विकसित राष्ट्र हैं अधिकांशतः। चौथा हमने कहा कि ये उच्च आय वाले राष्ट्र हैं, इनकी इनकी जो इनकम लेवल है बहुत ज्यादा है। मानव विकास सूचकांक HDI में इनकी उच्च रैंकिंग है। इस प्रकार के ये देश हैं, बाजारवादी व्यवस्था को ये मानते हैं और पूरे विश्व के आर्थिक उत्थान के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। तो ये है दोस्तों OECD। और देखिए भारत इसका संगठन का सदस्य नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि विकसित राष्ट्र इसके सदस्य हैं, भारत अभी विकासशील राष्ट्रों के अंदर माना जाता है और भारत इसलिए इसका सदस्य नहीं है, गलती नहीं करनी है, ये याद रखना है, बिल्कुल भारत इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों भारत ने अभी हाल में इसका एक प्रोग्राम है PISA प्रोग्राम, PISA, ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूज में था और इस कारण OECD भारत के परिप्रेक्ष्य में अधिक न्यूज में रहा है। देखिए वो PISA एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, अर्थात अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम। ये OECD द्वारा एक कार्यक्रम है जो लागू करवाया जाता है, जिसके अंदर विश्व के राष्ट्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए इसके सदस्यों से बाहर भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सिर्फ OECD सदस्यों के मध्य नहीं है, ये आर्थिक विकास का काम पूरे विश्व स्तर पर करना चाहता है। और इसीलिए जो PISA कार्यक्रम है इसमें विश्व के दूसरे राष्ट्र भी भाग ले सकते हैं, जो लोकतंत्र बाजारवादी विकसित बाजारवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में दृष्टि मत रखते हैं, वो राष्ट्र इसमें भाग ले सकते हैं। और भारत ने पहले भाग लिया था, लेकिन भारत ने उस टाइम पे समस्या आई थी तो भारत ने मना कर दिया भाग लेने से। अब 2021 से भारत इसके इस PISA प्रोग्राम में फिर से भाग लेगा। क्या है PISA प्रोग्राम, एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम या PISA क्या है। देखिए हमने बताया कि पहली बार 2000 में आयोजन हुआ और भारत ने तब हिस्सा लिया था, और हर 3 साल के बाद इस प्रोग्राम का आयोजन होता है, जिसके अंदर दुनिया भर की शैक्षिक प्रणाली की गुणवत्ता का आकलन होता है। जो 15 साल तक के बच्चे होते हैं दोस्तों वो इसमें भाग लेते हैं। 15 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर गणित का कितना ज्ञान है, उनके अंदर विज्ञान का कितना ज्ञान है और उनकी कितनी बौद्धिक क्षमता का विकास हो चुका है, उस प्रकार का मूल्यांकन ये करता है। अर्थात छात्रों का, 15 साल की उम्र वाले छात्रों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन करता है। ऐसा एक प्रोग्राम है जो हर 3 साल के बाद रैंकिंग लेकर आता है। 2000 में चालू हुआ, भारत ने उसमें भाग लिया दोस्तों, और
लेकिन 2000 में कार्यक्रम चालू हुआ और भारत ने 2009 का जो था प्रोग्राम उसमें भारत ने भाग लिया था दोस्तों। और 2009 में, लेकिन देखिए आप यहां पर देखिए, 74 देशों में से 72वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। अर्थात 2009 में पूरे विश्व में से 74 लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था और भारत को 72वां स्थान प्राप्त हुआ था। अर्थात नीचे से दूसरा नंबर, नीचे से तीसरा नंबर आप कह सकते हैं दोस्तों, इतना पीछे भारत को स्थान मिला। भारत ने कहा कि ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है, हम इसमें आगे से भाग नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये भारत ने कहा कि इतना पीछे रैंक आ ही नहीं सकती। भारतीय छात्र बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और विज्ञान और गणित में उनकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी होती हैं। कई बच्चे मुझे पता है कि इस बात पर हंसने लगे होंगे क्योंकि उनको गणित से समस्या होती है, विज्ञान से समस्या होती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और दोस्तों लेकिन भारतीय जो छात्र हैं उनकी गणित और विज्ञान की क्षमता अच्छी होती है और भारत सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि 72वां स्थान भारत को मिला दोस्तों। इसीलिए भारत ने कहा परेशानी छात्रों के बौद्धिक क्षमता में नहीं है, छात्रों के गणित में नहीं है, छात्रों के विज्ञान में नहीं है, समस्या है इसके मूल्यांकन प्रणाली में। अर्थात ये एक पश्चिमी संस्कृति में जिस प्रकार मूल्यांकन होता है उस प्रकार से मूल्यांकन करता है, और हम भारतीय आधार पर तैयारी करते हैं, भारतीय छात्र हमारे दृष्टिकोण से पढ़ाई करते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनके मूल्यांकन का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। इस वजह से भारत को 72वां स्थान मिला और इसीलिए भारत ने पार्टिसिपेट करना दोस्तों बंद कर दिया था 2009 के बाद ही। एक भाग लिया और उसके बाद ही भारत ने बंद कर दिया क्योंकि भारत को लगने लगा कि ये कार्यक्रम सही नहीं है और इसमें सही निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है और भारत को एक कमजोर राष्ट्र के रूप में सामने लेकर आ रहा है, भारत के छात्रों की एक कमजोर छवि ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन दोस्तों भारत ने कहा कि अब 2009 के बाद से हमने तैयारी कर ली है, अगले 10-20 सालों में, अभी 2020 चल रहा है, 2009 के बाद से लेकर आप देखें 10-11 साल हो गए हैं। और भारत ने कहा कि इसी साल का है दोस्तों, भारत ने कहा 2020 में कि हम फिर से भाग लेंगे अगले साल और हमारे छात्र अब आपके मूल्यांकन प्रणाली में भी सक्षम हो चुके हैं और हम अगली बार हम फिर से भाग लेने आ रहे हैं और फिर देखिए हमारा क्या रिजल्ट रहता है। अर्थात 2021 से भारत इसमें भाग ले रहा है। और दोस्तों वो पीसा प्रोग्राम कौन चलाता है? ओईसीडी चलाता है। कितने साल में? हर 3 साल में इसका आयोजन होता है। ओईसीडी कैसा राष्ट्र है? ओईसीडी कैसा समूह है? 37 सदस्य इसमें शामिल है, विकसित राष्ट्र है अधिकांश, लोकतंत्र, पूंजीवाद और बाजारवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं, उच्च आय दर है इनकी, उच्च HDI इनका इनका है मानक में, इनका स्थान आता है उच्च मानव विकास सूचकांक में, और साथ में इनका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस, जहां फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका मुख्यालय है। और भारत 2021 से इस पीसा प्रोग्राम में भाग लेगा, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ओईसीडी क्या था। और दोस्तों एक बार फिर से कहूंगा, अगर आपने प्लस कोर्स नहीं लिया है जल्दी से ले लीजिए, बंसल 10 कोड का आप प्रयोग कर सकते हैं, मैंने आपकी क्लास की शुरुआत में इसके बारे में अच्छे से गाइड कर दिया है, तो उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है आपकी फीस में और साथ में हमारी गाइडेंस में आप रहकर प्रिपरेशन कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इसलिए अगर अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। हालांकि मुझे पता चला है कि कई बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं मेरी क्लासेस के। दोस्तों अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही हो कि आपने नोटिफिकेशन बेल भी दबा रखी और उसके बाद भी आपको मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि कई बच्चों की ये कंप्लेन आई है, तो कुछ ना कुछ तकनीकी समस्या रही होगी जरूर, जब ये बच्चों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों एक आसान तरीका है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्लेलिस्ट का एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप खोलकर मेरी सारी क्लासेस को देख सकते हैं। पूरी 2 जून में ही सारी क्लासेस आई हैं और अभी तक का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय ये IR से संबंधित, इंटरनेशनल रिलेशंस से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जितने भी अभी तक करंट अपडेट्स हुए हैं उनको मैंने पूरी बेसिक्स के साथ करंट्स को अपडेट करके आपके सामने रख दिया है, इसलिए पूरी एकदम अपडेटेड क्लासेस हैं, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और कोई समस्या नहीं होगी। बाकी मेरी क्लासेस हर दिन 2-1.5 बजे से 3:30 बजे के बीच में और 7:30 से 8:30 के बीच में यहाँ पर लाइव होती है, तो आप उसे देख सकते हैं दोस्तों और जरूर इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल फिर भी दबा दें कि कोई तकनीकी समस्या अपने आप सही हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन खुद ही से मिलने स्टार्ट हो जाए, और लाइक जरूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपके प्यार सम्मान के लिए। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे, आपको बनना ही अधिकारी, बस ये ठान लीजिए और करके दिखा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।